आज हमने सिर्फ 10 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर का एक स्टार्टर बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर 65। 300 ग्राम पनीर का क्यूब लिया है, इसे हम बाउल में डाल देते हैं। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप फुल भर के है। 3 टेबलस्पून मैदा, 15 से 20 करी पत्ते को एकदम बारीक चॉप किया है। 2 टीस्पून बारीक चॉप लहसुन, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डालेंगे। एकदम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। पनीर का पीस टूटना नहीं चाहिए। हमने बारीक चॉप लहसुन डाला था, इसे अच्छे से मिक्स करना है। एकदम थोड़ा पानी डालेंगे हाथ में इस तरह से लेके। एक चौथाई कप पानी डाल के मिक्स किया है, इस तरह से बैटर ऊपर अच्छे से लगना चाहिए। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। पनीर का पीस अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे चलाएंगे। पनीर का पीस एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा तो इसे हम धीरे से अलग कर लेंगे इस तरह से। उलट पलट के ये क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई कर दिया है, इसे निकाल लेते हैं। अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से बाकी का पनीर का पीस भी हम फ्राई कर लेते हैं। पनीर के ऊपर बैटर को अच्छे से कोट करके इसे फ्राई करना है। पनीर को मैंने फ्राई कर दिया है और एकदम क्रिस्पी बना है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। 1/2 कप दही लिया है, ये 100 ग्राम जितना है। इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही में कॉर्नफ्लोर डालने से दही को हम कुक करेंगे तभी ये फटेगा नहीं। दही को अच्छे से बीट कर लेना है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को गरम कर लेते हैं। 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची को तोड़ के लिया है, ये डाल देंगे। 2 हरी मिर्ची को स्लीट करके लिया है, इस तरह से लंबा टुकड़ा किया है। लाइटली भूनेंगे इसे। 2 स्ट्रिप करी पत्ता की डाल देंगे। दो टेबल स्पून बारीक चॉप लहसुन, 2 लाइट ब्राउन हो जाए तब तक लहसुन को भून लेते हैं। लहसुन को तेज आंच पे लाइट ब्राउन भून लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसे बारीक चॉप किया है। मीडियम टू तेज आंच पे प्याज को भी भून लेते हैं। 1 टीस्पून सेजवान पेपर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, अगर आप सेजवान पेपर नहीं डालें तो आप 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्यू सेकंड मसाले को भून लेते हैं। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे।
1/8 टीस्पून रेड फूड कलर लिया है, ये दही में डाल के मिक्स कर लेते हैं। कलर डालना ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। दही अंडा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, लगातार चला के इसे कुक करना है। पनीर हमने फ्राई किया है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। एक चौथाई कप हरा प्याज की पत्ती है बारीक चौक, हरा प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बदले में आप हरा धनिया डाल सकते हैं। 1 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। पनीर 65 रेडी है, गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर 65 रेडी है, मैंने इसे पत्ता गोभी और गाजर का सलाद के साथ में सर्व किया है। पनीर 65 बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।